हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक अच्छा खासा बैनर क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे और नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको फॉर्म गैलरी पर जाना है और अपने बैनर के लिए आपको एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा। और जो भी मैं टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ उस टेम्पलेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वाले टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर की साइड में एक प्लस का आइकन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन गाइज, आपको थोड़ा सा जूम इन करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर दोस्तों आपको इसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है ताकि आप जब भी बैनर क्रिएट करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इतना आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, मैं जितना यहाँ पे सेट किया हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे, फॉर्म गैलरी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपना एक PNG फ़ोटो क्रिएट कर लेते हैं। तो PNG फ़ोटो जो है ना, वो आप कैसे निकालेंगे इसके ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना इस टाइप से आप PNG कैसे निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, बीच में एकदम अच्छे से सेट कर देंगे। तो आपको भी कुछ इस तरीके से अपना एक फ़ोटो जो है ना वो क्लिक कर लेना है और ट्रांसपेरेंट PNG निकाल के आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो अभी मैं हम यहाँ पे बीच में बिल्कुल सेट कर देंगे और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद में हम ए वाले ऑप्शन पर आते हैं नीचे की साइड में, और यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, अपने चैनल का नाम ऐड करना है, जो भी आपके चैनल का नाम है, और आप यहाँ पर चैनल का नाम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिख देता हूँ, आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देना है। आप देखो यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो हमें छोटा करना है, कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो के यहाँ पर साइड में आपको एडजस्ट कर लेना है सही तरीके से। कलर चाहो तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप येलो कलर रखना चाहते हो या फिर ग्रीन रखना चाहते हो, तो यहाँ पर हम वाइट को अभी सेलेक्ट करेंगे। वाइट को सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट दोस्तों आपको इसका चेंज कर देना है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं एक फॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ। तो नीचे की साइड थोड़ा सा आएंगे और यहाँ पर एक आपको फॉन्ट मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, इस वाले फॉन्ट को आपको यूज़ करना है। और यहाँ से हम इस वाले फॉन्ट को यूज़ करते हैं। अब फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और साइड में आते हैं और यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है वो आपको इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक लगाना है इस वाले टेक्स्ट पे, तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसे इनेबल कर देंगे। और इसका ब्लर जो रेडियस है वो हम 3 से 4 कर देंगे। और नीचे की साइड में आपको ऑफसेट एक्स को माइनस करना है, -2 कर देना है। ऑफसेट वाई को आपको 2 इनक्रीज़ करना है। तो इतना आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में लिखेंगे। जैसे अगर आप ट्रेवल ब्लॉग बना रहे हो तो आपको ट्रेवल ब्लॉग लिखना है, या फिर दोस्तों आप गांव में रहते हैं, गांव से ब्लॉग बनाते हैं, तो आपको विलेज ब्लॉग लिख देना है, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हो तो आपको लाइफ स्टाइल ब्लॉग यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसा भी ब्लॉग बना रहे हो, तो या फिर दोस्तों आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो जैसा भी आप ब्लॉग बना रहे हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आप लिख दिया हूँ। और इसका साइज़ आपको आपके चैनल के नाम से जो है ना वो छोटा रखना है, तो कुछ मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। और इसका भी हम कलर जो है ना वो वाइट रखेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। मैं तो दोस्तों आपसे यही रिकमेंड करूँगा, आप वाइट कलर को यूज़ कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो आपके चैनल का नाम है इसमें आपको रेड कलर यूज़ करना है, तो अभी हम चेंज करके भी बताएँगे कैसे आपको कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम तीसरा यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जिसमें कि हमें कैपिटल लेटर में सब्सक्राइब नाउ लिखना है, तो हम सब्सक्राइब नाउ यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल लेटर में। देखो गाइस, जैसा मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करता हूँ, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। और फॉन्ट आपको यहाँ पर पिक्सल लैब में दिया हुआ है, तो आप उन्हीं को यहाँ पर यूज कर सकते हो फॉन्ट को। तो इसे भी हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, आप लोग देख सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे तो बहुत अच्छा बैनर लगेगा। तो इतना मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब दोस्तों आपको एक और यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने चैनल का जो नाम है, जो सोशल मीडिया पर आप नाम लिखते हो, जैसे @ यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले,
देखो मैं यहाँ पे ऐट द रेट लगा लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पे मैं ऑफिशियल लिखूँगा, ऑफिशियल के बाद में मेरे जो चैनल का नाम रहेगा मैं लिख देता हूँ। तो आपको सबसे पहले ऐट द रेट लगाना है, उसके बाद में अपना जो सोशल मीडिया का नाम रहता है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया हूँ और इसका साइज़ बिल्कुल छोटा कर देंगे और यहाँ पर हम इससे एडजस्ट कर लेंगे सही तरीके से। इसका भी कलर हम वाइट रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना यहाँ पे एडजस्ट कर लिया हूँ और इसका जो फॉन्ट है गाइज, आपको फॉन्ट यहाँ पर मिल जाता है, इस वाले फॉन्ट को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी इसका फॉन्ट हमें चेंज करना होगा और इसे छोटा साइज़ करके हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको भी इस तरीके से इसे सेट कर लेना है, अच्छे से आपको सेट करना है गाइज। अब दोस्तों आपका बैनर जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो इसको आपको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे एकदम बीच में आपको एडजस्ट कर लेना है अपने फ़ोटो को। अब यहाँ पर हम अपने चैनल का जो नाम है उसका कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम अपने चैनल का जो नाम है उसका कलर चेंज करेंगे तो काफ़ी अमेजिंग लगेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप रेड कलर को यूज़ कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो मैं रेड कलर को यूज़ किया हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने चैनल के नाम पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे और रेड कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका बैनर कुछ इस टाइप से देखने में लगेगा। अब दोस्तों आपको नीचे की साइड एकदम लास्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेचुरेशन को थोड़ा हाई कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसे थोड़ा इनक्रीज़ करेंगे तो आपका बैनर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट में यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सेचुएशन वाले पे और इनक्रीज़ कर देना है कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर की साइड शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है, आपके फ़ोन में ये इजीली सेव हो जाएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपने बैनर को ईजिली लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो चुका है बैनर। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।